नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अभ्यास एग्री अकेडमी की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है और आईपीएस एफओ के लिए कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। दोस्तों ये सीरीज में आपको लगभग 500 क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू कराऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आईपीएस के पुराने एग्जाम्स में पूछे गए हैं या आईपीएस एग्जाम में किस तरह का पैटर्न है उसी पैटर्न के बेसिस पर हम 500 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। तो आज हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मेरा नाम है गिरिराज करार, एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई NFL NSC, 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि द फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, क्या पूछा गया है, फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है। तो पहले तो हम ये समझना है फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है, ठीक है ना। हमको इसको कैसे डिफाइन करते हैं, क्वेश्चन ये पूछा गया है फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी डिफाइंड है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी का, इसका जो करेक्ट आंसर है Y/WR। अभी फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है दोस्तों, ये होता है कि कितना आपका प्रोडक्शन हुआ है, यील्ड। Y का मतलब होता है यील्ड और WR का मतलब होता है वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्या होता है समझिए आप। ठीक है, तो फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी है ना, फील्ड वाटर क्या है, फील्ड वाटर कि Y/WR, Y का मतलब होता है यहाँ पर यील्ड, कि आपका पर हेक्टर कितना, पर हेक्टर के अंदर कितना केजी में आपका यील्ड निकला है। ठीक है, पर हेक्टर के अंदर आपका कितना यील्ड निकला है, केजी के अंदर या फिर किसके अंदर, कुंटल के अंदर। उस केजी या कुंटल जो यील्ड आपको प्रोड्यूस हुआ है उसके लिए कितने वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ी थी, ठीक है ना। जो हमने केजी या कुंटल के अंदर जो हमारा यील्ड निकला है, केजी या फिर कुंटल के अंदर, उस केजी या कुंटल के अंदर प्रोड्यूस करने के लिए हमको टोटल वाटर की रिक्वायरमेंट क्या थी, ठीक है, कितना पानी दिया होगा तभी तो आपकी कुछ ना कुछ यील्ड निकली होगी। तो भाई जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है, तो यील्ड अपॉन वाटर रिक्वायरमेंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्रॉस, क्या बोलते हैं, फील्ड वाटर यूज। Y/80 दोस्तों क्या होता है, ये क्रॉप, ठीक है, क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है तो आपको बताना है कि क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है Y/80। यहाँ पर Y/80 का मतलब क्या होता है, ईवेपो ट्रांसपिरेशन, क्या होता है यहाँ पर, ईवेपो ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी का। ये क्वेश्चन अभी छत्तीसगढ़ है ना ADA के एग्जाम में पूछा गया था ना, ये रिसेंटली के अंदर है ना, लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था छत्तीसगढ़ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या आप ये बताएं व्हाट इज द पावर एक्सट्रैक्टेड बाय द PTO, क्या होती है। अब ये हमको समझना है, ठीक है, कि PTO क्या होता है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट, 70 से लेकर 80%। अब समझिए, इसको कहते हैं हम PTO, है ना, पावर टेक ऑफ। ये ट्रैक्टर जो होता है हमारा, ट्रैक्टर के अंदर आपने देखा होगा जो हिच होता है उसके नीचे की तरफ ये लगा होता है PTO, ना, पावर टेक ऑफ। ये क्या करता है, ये घूमता है ना, ये क्या होता है, ये लगातार घूमता है। अगर हमको ट्रैक्टर की पावर को से किसी दूसरे पावर है ना, दूसरे इंप्लीमेंट को चलाना है, मतलब मैकेनिकल पावर को हमको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। आपने देखा होगा कि इससे हम सामने पुली वगैरह लगा के थ्रेसर चलाते हैं ना, दूसरे इक्विपमेंट चलाया जाता है, आर्मेचर वगैरह चलाए जाते हैं। तो ट्रैक्टर की जो मैकेनिकल पावर है, उस मैकेनिकल पावर को हम दूसरे इंप्लीमेंट में कितना परसेंटेज ट्रांसफर कर पाता है पावर टेक ऑफ, तो PTO कितना कर पाता है, 70 से लेके 80% तक कितना पावर ट्रांसफर होती है दूसरे इक्विपमेंट में। ट्रैक्टर की जो ट्रैक्टर की कुल ताकत है, पावर है, उसका सिर्फ 70 से लेकर 80% ही इससे पावर टेकऑफ से दूसरी इंप्लीमेंट में ट्रांसफर हो पाती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैव हाईएस्ट एल्कलाइन प्रॉब्लमेटिक सोल इंडिया। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन रिसेंटली IUPAC एग्जाम में काफी पूछे जा रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर के पेपर्स में है ना, हाईएस्ट एसिडिक सोइल किस राज्य में होती है, हाईएस्ट एल्कलाइन सोइल किस में, हाईएस्ट सैलाइन किस में। तो हमको ये अच्छे से पढ़ना है। रिसेंटली आप देखोगे तो जो प्रॉब्लमेटिक सोइल के बारे में यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट एल्कलाइन प्रॉब्लमेटिक सोइल होती है ना। अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चन है एल्कलाइन सोइल क्या होती है, तो हम ये भी समझेंगे कि एल्कलाइन सोइल क्या है। अभी आपको ये समझना है कि भाई
कि सबसे ज्यादा एल्कलाइन सोल किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आप इस टेबल को देखिए एक मिनट। ठीक है, इस टेबल के अंदर अपने दिया है कि भाई किस राज्य में सबसे ज्यादा सेलाइन सोल पाई जाती है ना। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इंडिया की कौन सी स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा सेलाइन सोल का एरिया सबसे ज्यादा है, तो आपको बताना है सेलाइन सोल सबसे ज्यादा कहां पर, गुजरात में। ठीक है, गुजरात के अंदर कितना है, तो आंसर है 12,00,000। ठीक है, 18,255। ठीक है, हेक्टेयर के अंदर क्या है, सेलाइन सोल। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि एल्कलाइन सोल हेक्टेयर में सबसे ज्यादा क्या है, उत्तर प्रदेश। एल्कलाइन सोल सबसे ज्यादा कहाँ, उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए कि कोस्टल सेलाइन सोल कहाँ है, तो कोस्टल सेलाइन कहाँ पर, गुजरात के अंदर। एक क्वेश्चन और यहाँ पर कभी कभी पूछा जाता है कि एसिडिक सोल अगर पूछा जाए ना, एसिडिक सोल सबसे ज्यादा कहाँ पर है ना, तो एसिडिक सोल सबसे ज्यादा है भाई वेस्ट बंगाल के अंदर। कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर एसिडिक सोल सबसे ज्यादा है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द माइक्रो न्यूट्रेंट। दोस्तों आईपीएस के अंदर देखो सोइल साइंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोइल की प्रॉब्लम से, टाइप्स ऑफ सोइल से, या फिर माइक्रो न्यूट्रेंट मिनरल न्यूट्रिशन वाले टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आते हैं एफओ के एग्जाम में। तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि भाई कौन सा माइक्रो न्यूट्रेंट होता है और कौन सा मैक्रो न्यूट्रेंट होता है, कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई कौन सा एलिमेंट जो है वो माइक्रो न्यूट्रेंट है। तो दोस्तों आयरन जो है वो एक माइक्रो न्यूट्रेंट है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो मैक्रो कौन कौन से होते हैं, अगर आप देखोगे तो मैक्रो न्यूट्रेंट जो होते हैं कौन कौन से हैं मैक्रो न्यूट्रेंट, तो मैक्रो न्यूट्रेंट के अंदर 3 कैटेगरी आती है। मैक्रो न्यूट्रेंट के अंदर आता है एक स्ट्रक्चर, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रेंट के अंदर आता है स्ट्रक्चर एलिमेंट, ठीक है, इसके बाद आता है प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी, और प्राइमरी के बाद आता है भाई सेकेंडरी। क्या आता है, सेकेंडरी। क्लियर, तो स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, प्राइमरी के अंदर आते हैं एन पी के, और सेकेंडरी के अंदर आते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर। ये जो सभी एलिमेंट है सभी क्या होते हैं, मैक्रो होते हैं। ये सभी एलिमेंट क्या होते हैं, मैक्रो। अब जो है ना टोटल एसेंशियल एलिमेंट होते कितने हैं, टोटल भाई 17 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 17 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। कितने होते हैं, 17 एसेंशियल एलिमेंट कितने होते हैं, आपको पता है 17। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट कितने होते हैं, 17 होते हैं। इसमें से अभी हमने देख लिए 9 जो होते हैं मैक्रो होते हैं ना, तो बचे हुए 8 जो हैं क्या है, माइक्रो। आयरन, जिंक, ठीक है, कॉपर, एमएन, मोनिबेडलम, ठीक है, क्लोरीन, बोरोन, निकल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8 एलिमेंट क्या होते हैं दोस्तों, माइक्रो होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रो। तो एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपको इनको याद रखना है। तो यहाँ पर आयरन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रीमियम परसेंट टू बी पेड बाई द फार्मर्स ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द खरीफ सीजन क्रॉप। देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फार्मर क्या करता है, अपनी क्रॉप का इंश्योरेंस कराता है ना, क्या कराता है, बीमा, इंश्योरेंस। तो फार्मर को खरीफ सीजन की अगर क्रॉप है तो कुछ प्रीमियम पेड करना होता है, ठीक है, कुछ प्रीमियम भरना होता है। तो खरीफ क्रॉप में फार्मर्स को कितना प्रीमियम भरना होता है, तो इससे आईपीएस के अंदर हर साल क्वेश्चन आता है। यहाँ से इस स्कीम से लगातार हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, आईपीएस के अंदर लगातार आ रहा है। यहाँ पर खरीफ जो सीजन की क्रॉप है यहाँ पर कितना प्रीमियम पे करता है फार्मर, तो आंसर है 2%। ठीक है, रबी क्रॉप के लिए कितना पे करता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खरीफ क्रॉप है तो खरीफ के अंदर चाहे वो फूड क्रॉप हो चाहे सीरियल हो चाहे मिलेट्स हो चाहे ओल सीड हो, खरीफ सीजन के लिए कितना 2%। रवि सीजन के लिए चाहे वो फिर कौन सी ऑयल सीड क्रॉप हो चाहे मिलेट हो चाहे सीरियड हो, ठीक है, पल्सेस हो, रवि सीजन की अगर क्रॉप है तो कितना 1.5%, रवि सीजन के लिए 1 point, ठीक है। अगर वो कॉमर्शियल क्रॉप है, अगर क्या है क्रॉप कॉमर्शियल है, ठीक है, चाहे वो रवि हो फिर खरीफ हो किसी भी सीजन की हो, लेकिन क्रॉप हमारी क्या है व्यवसाय के कॉमर्शियल क्रॉप्स है, एनुअल कॉमर्शियल के या एनुअल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कोई सी भी है, ठीक है, उसके लिए कितना आपको 5%। जैसे यहाँ शुगर कैन है, कॉटन है, टोबैको है, जूट है, ये क्या है सभी कॉमर्शियल क्रॉप है, तो यहाँ पर कितना पे करना पड़ेगी, 5% आपको प्रीमियम पे करना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पर, पावर टिलर इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन विच ईयर, भारत के अंदर पावर टिलर कब आया, तो इसका करेक्ट आंसर है 1963, है ना, भारत के अंदर पावर टिलर दोस्तों कब आया, 1963 के अंदर पावर टिलर आया ना, 1963 के अंदर पावर टिलर। देखो पावर टिलर को इंट्रोड्यूस किया जापान ने, है ना, पावर टिलर जो है पावर टिलर जो इंट्रोड्यूस किसने किया वर्ल्ड के अंदर, तो आंसर है जापान, है ना, किसके द्वारा, जापान ने सबसे पहले पावर टिलर जाना है। भारत के अंदर कब आया, 1963 के अंदर आया। चलिए अगला क्वेश्चन है,
रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म ये क्या है दोस्तों? ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या होते हैं? मार्कर्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ मार्कर्स होते हैं ना, डिफरेंट मार्कर्स क्या होते हैं? एक प्रकार के डीएनए सेगमेंट्स होते हैं जो कि हम, ठीक है, जिनका यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो RFLP एक प्रकार का क्या है? तो आंसर है RFLP एक प्रकार का क्या होता है? मोलिकुलर मार्कर। क्या है? मोलिकुलर, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म एक प्रकार का क्या दोस्तों? मोलिकुलर मार्कर। जैसे आपने सुना होगा AFLP है ना, RAPD, ठीक है, CAC, कैप्स, ठीक है, इस प्रकार से SSP। तो अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? मार्कर्स होते हैं। अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? मोलिकुलर मार्कर्स होते हैं। तो RFLP भी एक प्रकार का क्या होता है? मोलिकुलर मार्कर है। ये एक प्रकार का, देखो अलग अलग तो होते हैं, ये एक प्रकार का कोडोमिनेंट होता है। मार्कर दो प्रकार के होते हैं, डोमिनेंट एंड कोडोमिनेंट। तो आपको याद रखना है कि एक कोडोमिनेंट प्रकार का मोलिकुलर मार्कर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली साल्ट टॉलरेंट क्रॉप? तो एप्पल, जूट, लाइम, मैंगो और कॉटन। तो सबसे ज्यादा हाईली साल्ट टॉलरेंट कौन सी है? तो आंसर है कॉटन, ठीक है। कभी कभी इसके अलावा भी एग्जाम में साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स जो आती हैं एग्जाम में, जो कभी कभी पूछ ली जाती हैं, कौन कौन सी आती है एग्जाम्स के अंदर, इधर देखें आप, साल्ट टॉलरेंट क्रॉप। तो साल्ट टॉलरेंट क्रॉप जो है वो कौन कौन सी आती हैं? तो इधर देखो, एक बार्ले एग्जाम में आती है ना, बार्ले, एक शुगर बीट, ठीक है, बार्ले है, शुगर बीट है, मस्टर्ड है, ठीक है, मस्टर्ड, इसके बाद अपना रेफेनस, ठीक है, इसके बाद पालक, रेफेनस हो गया, इसके बाद पालक, स्पाइनेज है ना, पालक आता है, इसके बाद अपना कॉटन हो गया, ठीक है, इसके बाद खस ग्रास है, ठीक है, खस ग्रास, पारा ग्रास है। तो ये सारी क्या होती हैं? ये सभी साल्ट टॉलरेंट क्रॉप है। जो सबसे ज़्यादा बार्ले होती है भाई, है ना, बार्ले भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम व्हाट परसेंट फार्मर्स गेटिंग द शॉर्ट टर्म लोन पेबल विद इन 1 ईयर अप टू द 3 लाख रुपीज। देखो किसान जो होता है KCC पर बैंक से लोन लेता है ना, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स पर बैंक से क्या करता है? लोन लेता है। अगर किसान 3 लाख तक का लोन लेता है, कितने? 3 लाख तक का लोन लेता है और वो विद इन 1 ईयर, ठीक है, 1 साल के अंदर उसको रीपेमेंट कर देता है। तो उस पर जो, देखो अगर 3 लाख तक जो क्या लेता है, अब तो कितना लोन अगर 3 लाख तक लेता है तो इंटरेस्ट परसेंट होता है 7, ठीक है, ब्याज की दर कितनी होती है? 7% है ना, इंटरेस्ट रेट कितनी होती है? 7%। अगर वो टाइमली पेमेंट कर देता है तो इसमें भाई 3% का उसको डिस्काउंट मिल जाता है। तो फाइनली उसको कितना? ओनली 4% ही इंटरेस्ट रेट जो होती है, फाइनली कितना पे करना है उसको? अगर वो 3 लाख तक का लोन लेता है और 3 लाख अगर वो टाइमली रीपेमेंट करता है तो 7% में भी उसको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। तो उसको सिर्फ कितना? सो आंसर है 4% ही पे करना पड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 4%। अगर 3 लाख से ज़्यादा लेता है तो उसको 12% इंटरेस्ट रेट लगती है। तोतापरी वैरायटी ऑफ मैंगो बिलोंग्स टू विच ऑफ द स्टेट, है ना, तोतापरी जो है किस राज्य? तो आंसर है तोतापरी का कर्नाटका, ठीक है, मैंगो की एक वैरायटी है। तो आंसर क्या है इसका? कर्नाटका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 11, रत्ना हाइब्रिड ऑफ मैंगो इज ए क्रॉस्ड, रत्ना हाइब्रिड मैंगो की क्रॉस है किस किस के बीच? तो आंसर है नीलम इंटू अल्फांसो, है ना, रत्ना हाइब्रिड जो है दोस्तों किस किस का बीच क्रॉस है? नीलम इंटू अल्फांसो का एक क्रॉस होता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए, ठीक है, क्या क्या एग्जांपल दिए? रत्ना तो हो गया आपने, नीलम इंटू अल्फांसो, अम्रपाली इंटू सेनेसेंस, यहाँ पर पूछा गया कि अम्रपाली इंटू सेनेसेंस, ये क्या है? तो ये पूसा प्रतिभा या फिर पूसा प्रतिभा या पूसा श्रेष्ठ, पूसा प्रतिभा, ठीक है, पूसा प्रतिभा एंड पूसा श्रेष्ठ, ठीक है, पूसा श्रेष्ठ। इसके बाद दशहरी इंटू सेनेसेंस या पूसा लालिमा, क्या है भाई? पूसा लालिमा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है अल्फांसो इंटू नीलम, क्या है? अल्फांसो इंटू नीलम। तो अल्फांसो इंटू नीलम दोस्तों जो होता है नीलकरण, पूसा नीलकरण, है ना, पूसा नीलकरण। तो हमको याद रखना है ये हाइब्रिड इंपोर्टेंट और ये आपको रत्ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 ऐसा कोई हाइब्रिड है नहीं इसका, ठीक है, इन दोनों का क्रॉस कोई हाइब्रिड नहीं है। तो ये रत्ना तो हो गया नीलम इंटू अल्फांसो, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म ऑफ द कटिंग ऑल ब्रांचेस ऑफ द फोडा क्रॉप्स आर बीइंग कट और रिमूव्ड। भाई इनमें से वो कौन सी प्रैक्टिसेस है जिसके अंदर हम फोडा क्रॉप की सारी ब्रांचेस को कट कर देते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लूपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम लूपिंग कहते हैं, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस होती हैं प्रूनिंग की,
आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, तो पहले नंबर का डायग्राम है हमारा ये लूपिंग का है। किसका? लूपिंग का, जिसके अंदर जो है ना फोल्डर की ऑल ब्रांचेस रिमूव कर देते हैं। दूसरा हमारा होता है ये मेथड है हेडिंग बैक, ये भी प्रूनिंग का एक मेथड है, ठीक है, जिसके अंदर जो सेम हाइट की ब्रांचेस हैं, ये सेम हाइट की ब्रांचेस को हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, जिससे क्या होता है नेक्स्ट वन ईयर बाद आपको पूरा थिक प्लांट के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस आती है सेम हाइट की, जो होता है मेथड ऑफ प्रूनिंग के हेडिंग बैक। इसके बाद ये जो है पोलार्डिंग, आपको देख रहा होगा ये क्या है भाई, पोलार्डिंग, जिसमें भी देखो सेम हाइट पर ब्रांचेस यहाँ पर रिमूव किए। और इसके बाद ये क्या होता है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है अपना, एक मिनट, कपिंग जिसको हम कहते हैं ना, ये ना कॉपीसिंग, इसका मतलब क्या होता है देखो, इसमें देखो इस वाले में क्या कर रहे हैं हम, इस प्लांट को इसे ना ग्राउंड लेवल से ऊपर तक अधिकतर ब्रांचेस इसकी काट दी गई है ना, देखो बिफोर टी टू बी कॉपी सीड, अगर इसकी ब्रांचेस देखो हमने यहाँ से काट दी, इतना सा रह गया, कितना सा, ये रह गया। अब नेक्स्ट ईयर देखो वापस यहाँ पर वापस प्लांट आ गया, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोला जाता है भाई कॉपी सीड। चलिए अब नेक्स्ट है अपना अगला, व्हाट इज द एनुअल रेनफॉल ऑफ द ह्यूमिड एरिया इन एमएम, भाई ह्यूमिड रीजन के अंदर भाई कितनी बारिश होती है, तो ह्यूमिड रीजन के अंदर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर है मोर देन 1000 mm, भाई जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है ना, जहाँ पर 1000 mm से ज़्यादा बारिश होती है उस रीजन को क्या बोलते हैं हम, ह्यूमिड रीजन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, ठीक है, राइस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ पर है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको लगाना है फिर हैदराबाद, ठीक है, लेकिन सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना दोस्तों, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपको इसका आंसर क्या लगाना है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का आंसर आपको लगाना है कटक, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का आंसर क्या लगाना आपको, तो आंसर है कटक, ठीक है, इसका आंसर तो हो जाएगा कटक, लेकिन यहाँ पर पूछा गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च या फिर डायरेक्टेड ऑफ राइस रिसर्च, डायरेक्टेड ऑफ राइस रिसर्च, इसका आंसर भी क्या होगा हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑप्टिमम पीएच रिक्वायर्ड फॉर द गावा कल्टीवेशन, ठीक है, पीएससी भी एग्जाम है, आईपीएस एग्जाम है, एएफओ के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई पीएच रिक्वायरमेंट डिफरेंट क्रॉप्स की क्या होती है, तो ये एएफओ के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पीएच रिक्वायरमेंट गावा कल्टीवेशन की कितना होती है, तो 6.5 से लेके 8.0 क्या होती है गावा की पीएच रिक्वायरमेंट, ठीक है। एक बनाना का भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि बनाना कल्टीवेशन के लिए पीएच रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो बनाना कल्टीवेशन नॉर्मल जो है 6.5 से लेके 7.5 क्या होती है बनाना कल्टीवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है दोस्तों कि हम किस न्यूट्रिएंट को बनाना में जब हम क्या करते हैं फर्टिगेशन, मतलब ड्रिप इरिगेशन के साथ जब हम इरिगेशन करते हैं तो उसको फर्टिगेशन कहते हैं, तो किस न्यूट्रेंट को ज्यादा दिया जाए, इन बनाना विच न्यूट्रेंट इज गिवन टू द लार्जेस्ट अमाउंट थ्रू द फर्टिगेशन, ठीक है। फर्टिगेशन का मतलब क्या होता है भाई, ड्रिप इरिगेशन क्या है, ड्रिप इरिगेशन प्लस, ठीक है, फर्टिलाइजर, ठीक है, तो फर्टिलाइजर में हम यहाँ पर क्या देते हैं, पोटेशियम सबसे ज्यादा, जब हम बनाना में ड्रिप के साथ जो फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा मात्रा में देते हैं कौन सा होता है, पोटेशियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विच फिश हैज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट, कौन सी मछली में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है, तो आंसर है ट्यूना फिश के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है। तो यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो फिशेस हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रोटीन जैसे, ठीक है, येलो फिन ट्यूना फिश 24% प्रोटीन है, ठीक है, इसके बाद चीतल 22% है, हिल्स 21% है, वेद की 21% है, ठीक है, करीमन 20% है, मैगरल 19% है, महासोल 17 है, रोहू 16% है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्यूना फिश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोट क्वालिटी ऑफ द 4-स्ट्रोक इंजन, तो क्वालिटी देखो, फ्यूल इज कंज्यूम्ड, ये करेक्ट आंसर है, फ्यूल कंज्यूम्ड हो जाता है, फ्यूल इज कॉन्स्टेंट, ये करेक्ट है, इसके बाद इट इज द इंटरनल कंबसन इंजन, करेक्ट है, फ्यूल इज द इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, सही है, पहला आंसर गलत है ना, फॉल इज नोट फुली कंज्यूम्ड, ठीक है, ये गलत आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर कल्टिवेटिंग लैंड ऑफ 40 hectare फॉर मोनोक्रॉपिंग व्हाट एसपी इज रिक्वायर्ड, ठीक हो, देखो मोनोक्रॉपिंग का मतलब कि भाई हमको एक ही क्रॉप लेना है, ठीक है, ईयर आफ्टर ईयर आपको एक ही क्रॉप लेनी है, तो अगर आप सिंगल क्रॉप लेते हो और आपके पास 40 hectare लैंड है तो आपको किस एचपी का ट्रैक्टर रिक्वायर्ड होता है, कि आपके पास इतने एचपी का ट्रैक्टर है तो आप एक ही, ठीक है, मोनोक्रॉप आपको सिंगल क्रॉप लेना है, हर साल एक ही क्रॉप आपको लेना है, तो भाई ज्यादा बड़ा ट्रैक्टर की आवश्यकता नहीं, आप एक ही ट्रैक्टर, कितने एचपी का ट्रैक्टर, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितने है कि हम कितने एचपी का ट्रैक्टर इसको पर्याप्त होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 25 hp का, कितना है भाई 25 hp का आपको क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच टिलेज इंप्लीमेंट रिक्वायर्ड मिनिमम ड्राफ्ट पर यूनिट विथ, ठीक है, मिनिमम ड्राफ्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों प्लांटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ हाई वॉल्यूम स्प्रे। हाई वॉल्यूम की स्प्रे की कैपेसिटी होती है मोर देन 400 लीटर पर आवर, ठीक है, 400 से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द एचपी पावर रिक्वायर्ड फॉर द पावर स्प्रे। यहाँ पर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन कुछ मैंने ज्यादा लिए क्योंकि इंजीनियरिंग भी एग्जाम में एफओ के अंदर ज्यादा पूछी जाती है, तो ये मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि पावर स्पेयर में भाई कितने एचपी का, तो 3 से लेकर 5 एचपी का पावर स्पेयर आपको आवश्यकता होती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरिनियल क्रॉप, कौन सी क्रॉप जो है भाई पेरिनियल क्रॉप है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो सुगर बीट, कोकोनट, बनाना, गार्लिक और टोमेटो, तो पेरिनियल क्रॉप कौन सी है, कोकोनट है ना। पेरिनियल का मतलब भाई ऐसी क्रॉप जिसकी लाइफ साइकिल मोर देन 2 ईयर में कंप्लीट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं पेरिनियल। ऐसी क्रॉप जिसकी मोर देन 2 ईयर, यस, ऐसी फसल मोर देन 2 ईयर्स में कंप्लीट होती है, ऐसी क्रॉप जिसका लाइफ साइकिल 2 साल से ज्यादा में कंप्लीट होता है, तो सो पेरिनियल। तो बाकी सब तो देखो सुगर बीट भाई 4 महीने 5 महीने, ठीक है। कोकोनट है जो आपको पता है भाई है ना मोर देन 2 ईयर से ज्यादा में कंप्लीट करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ईसी ऑफ सेलाइन सोइल। दोस्तों अगर आप एफओ एग्जाम देने जा रहे हैं तो इनको आप अच्छे से पढ़ के जाए ना, जो तीनों जो सोइल हैं, ठीक है, ये जो तीनों सोइल हैं ये हर साल एग्जाम में पूछी जाती है, एवरी ईयर इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इनका पीएच, इनका ईएसपी, इनका है ना, एग्जाम में हर चीज पूछी जाती है, ठीक है, पीएच, ईसी और ईएसपी एग्जाम में। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि सेलाइन सोइल का भाई पीए है ना ईसी कितना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी होती है, तो आंसर है मोर देन 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा, मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूँ। सेलाइन सोइल है ना, सेलाइन सोइल, इसके बाद एल्कलाइन सोइल, इसके बाद सेलाइन एल्कलाइन सोइल है ना, सेलाइन एल्कलाइन सोइल, ठीक है। अब देखो सेलाइन सोइल का अगर आपसे ईसी पूछा जाए कभी भी, तो आप लगाना है ग्रेटर देन 4, जब ईसी ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, तो इसके बाद इसका जो ईएसपी होता है, ईएसपी वो लेस देन 15 होता है, और जो पीएच होता है वो लेस देन 8.5 होता है, ठीक है। एल्कलाइन सोइल जो होता है दोस्तों, एल्कलाइन सोइल का पीएच ग्रेटर है ना, ईसी जो होता है ईसी ग्रेटर देन लेस देन, ईसी लेस देन 4, ईएसपी 15, ठीक है, और पीएच ग्रेटर देन 8.5, ठीक है। एल्कलाइन सोइल का आपको याद रखना है पीएच जो होता है 8.5 से ज़्यादा होता है, और सेलाइन सोइल का पीएच 8.5 से कम होता है, लेकिन 7 से तो ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बात इंपॉर्टेंट आती है भाई सेलाइन एल्कलाइन सोइल की है ना, इसका ईसी ग्रेटर देन 4, इसका ईएसपी ग्रेटर देन 15, पीएच जो है 8.5, ठीक है। अब जो मैंने 8.5 लिखा है भाई, किसी किसी बहुत सारी बुक्स जो हैं उनके अंदर लेस देन 8.5 लिखा है, ठीक है। अब अरुण कात्यान पढ़ो, नेमराज सुंडा पढ़ो, जो भी आपके पास बुक्स होती हैं उनके अंदर ये वाला केस लिखा है। अगर आप सोइल साइंस की रेफरेंस की बताकर पढ़ते हो डी के दास, तो वहाँ पर ये दोनों आंसर लिखे कि दोनों केसेस इसके अंदर पॉसिबल हैं, ठीक है। सेलाइन एल्कलाइन सोइल के अंदर अगर आप आईपीएस एफओ के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये वाला आंसर याद रखना है ग्रेटर देन, ठीक है, क्योंकि आईसीआर के अंदर ये नोट्स के अंदर आपको ये वाला आंसर मिलेगा, ठीक है। मैं आपको बता दिया ये केसेस भी संभव है, ठीक है, ये केसेस तब संभव होते हैं जब सोल्यूबल साल्ट ज़्यादा होते हैं तब, ठीक है। अगर सोडियम ज़्यादा है तो ये वाला केस संभव है, अगर सोल्यूबल साल्ट ज़्यादा है तो ये वाला केस, दोनों कंडीशन यहाँ पर क्लियर है ना, ये दोनों पॉसिबल है, 8 से 8.5 से ज़्यादा भी हो सकता है, 8.5 से कम हो सकता है, ठीक है। बोले हमको क्या याद रखना है, तो आपको ये वाला याद रखना है, बाकी जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं अधिकतर है ना स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स हैं उनमें अधिकतर ये वाला आंसर माना जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम, यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन की एफिशिएंसी कितनी होती है, तो आंसर है 90%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ईएसपी ऑफ द सेलाइन एल्कलाइन सोइल, तो अभी आपको मैंने बताई मोर देन 15 है ना, ईएसपी कितनी होती है मोर देन 15। इसके बाद व्हाट इज द पीएच ऑफ एल्कलाइन सोइल, पीएच कितना होता है भाई 8.5 से ज्यादा मोर देन 8.5, पीएच अभी मैंने आपको बताया टेबल के अंदर। व्हाट अमोंग द फॉलोइंग वुड इज यूज्ड फॉर द मैगिंग प्लाईवुड, ठीक है, प्लाईवुड टिम्बर भाई कौन सी है जिससे जो प्लाईवुड बनाया जाता है, तो आंसर है इसका टीक, ठीक है, टीक जो है इससे क्या बनाते हैं, प्लाईवुड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच फॉर्म ऑफ द टिलेज नो प्लांट इज लेफ्ट
ठीक है, अनडिस्टर्बड, जिसको क्या बोलते हैं क्लीन टिलेज। देखो अगर हम टिलेज का मतलब क्या होता है, फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, टिलेज का मतलब खेत की जुताई करना एक प्रकार से। जब हम टिलेज करते हैं, अगर टिलेज करने के बाद हमारे खेत पर कोई भी है ना, वहाँ पर जो प्रीवियस क्रॉप है इसका किसी का भी प्लांट एवरेज या कोई मतलब अवशेष या अवशिष्ट पदार्थ वहाँ पर नहीं रहता है, हमने मतलब टिलेज करने के बाद हमारा खेत पूरी तरह से क्या हो चुका है, क्लीन हो चुका है, खाली वहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं क्लीन टिलेज कहते हैं ना। ये जो कन्वेंशनल टिलेज होता है इसका मतलब होता है कि हम जब टिलेज करते हैं, अगर हमारे टिलेज करने के बाद फील्ड पर लेस देन 15% अगर लेस देन 15% क्या रहता है, ठीक है, प्लांट डेवरेज, ठीक है, या प्रीवियस क्रॉप जो है उसका आपको अवशिष्ट यहाँ पर मिलेगा रेसिडुअल, तो उसको क्या बोलते हैं कन्वेंशनल। रिड्यूस्ड लेट के अंदर क्या होता है दोस्तों, 15 से लेके 30% तक, है ना, प्लांट रेसिड्यूस आपको कितना मिलेगा, प्रांस रेसिड्यूल आपको कितना मिलेगा, 15 से लेके 30%। देखो स्टेबल मल्च टिलेज क्या होता है, स्टेबल मल्च टिलेज दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर मल्च भी आएगा, स्टेबल मल्च टिलेज क्या होता है कि हम क्या करें कि जब टिलेज करने से, है ना, तो जो फैलो पीरियड होता है हमारे फील्ड में, मतलब जो खेत में खाली समय होता है, उस खाली समय में कोई क्रॉप लगाएं, ठीक है, उसको हार्वेस्ट करें, हार्वेस्ट के बाद उसको फील्ड में उसका जो स्टेबल्स होता है उनको फील्ड में डाल दें, या फिर हम टिलेज से टिलेज के द्वारा, या फिर क्या करें प्रीवियस क्रॉप के जो स्टेबल्स होते हैं, डंडल्स होते हैं, उनको फील्ड में टिलेज के साथ खेत में आपको कल्टीवेट क्या करना है, टिलेज जब करोगे तो उसको उसके ऊपर बिछा देना है, ठीक है, स्टेबल मल्च टिलेज। आपको मैंने क्लीन टिलेज बताई दिया, एक कंजर्वेशन टिलेज भी होता है ना, कंजर्वेशन टिलेज के अंदर आपसे पूछा जाएगा कंजर्वेशन टिलेज, तो अप टू 30% प्लांट एवरेज, यहाँ पर ये आपको परसेंटेज याद रखना है, ठीक है, तीन तरह की होते हैं, लेस देन परसेंट 15% अगर प्रीवियस क्रॉप का कोई भी अवशेष है, प्लांट रेसिडुअल्स है, तो उसको क्या बोलते हैं हम कन्वेंशनल टिलेज, ठीक है। अगर आपका खेत पूरी तरह साफ है, बिल्कुल कोई भी कचरा नहीं है, कहने का मतलब, तो क्लीन टिलेज, ठीक है, 15 से लेकर 30% है तो प्लांट रेसिडुअल, तो उसको रिड्यूस कहते हैं, कंजर्वेशन टिलेज में अप टू 30%। आई होप आपको ये 30 अभी तक सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, जिसके अंदर आपको 280 वीडियोस मिलेंगी रिकॉर्डेड, है ना, 280 प्लस हो है, ठीक है, 280 प्लस हो जाएंगी टोटल वीडियो आपको रिकॉर्डेड, जिसके अंदर सारे पीडीएफ नोट्स हैं, ठीक है, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी बात की गारंटी है, यहाँ से, है ना, एक भी क्वेश्चन आपको मात्र 499 के अंदर मिल जाएगा अवेलेबल 6 मंथ के लिए। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, स्पेशली डिजाइन की गई टेस्ट सीरीज, एफओ के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर क्रॉप को देख, है ना, क्वेश्चन को देखते हुए कि आईपीएस एग्जाम में पिछले 10 से 12 साल में किस तरह का पैटर्न रहा, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और मेन इंपॉर्टेंट भाई करंट, ठीक है, करंट स्कीम कौन कौन सी चल रही है, कौन सी स्कीम कब लॉन्च हुई है, ठीक है, एमएसपी क्या है, अफेडा का डाटा क्या है, नाबार्ड नॉर्म्स के, आपको सारी चीज़ आपको टेस्ट सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी, है ना, हर क्वेश्चन आपको हर स्कीम से क्वेश्चन देखने को मिलेगा टेस्ट सीरीज के अंदर, एमएसपी सारी चीज़ें, तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं मात्र 250 के अंदर, 6 मंथ वैलिडिटी, 50 मॉक टेस्ट हैं, देखो 50 मॉक टेस्ट हैं, वो एक टेस्ट के अंदर आपको कितने, तो एक टेस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर 50 क्वेश्चन, लगभग आपके हो जाएंगे 2,500 क्वेश्चन, ठीक है, 2,500 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन जो है, क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे भाई, है ना, हिंदी में भी देने की, अधिकतर अभी इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी के अंदर ज़्यादा स्टूडेंटों की डिमांड रहती है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप एमपी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आरएचयू, आरईयू की एग्जाम, क्वालिटी कंट्रोल, अगर आप उसका कोर्स लेना चाहते हैं, तो मात्र 1500 रुपये में आपको कंप्लीट लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। और आप ओनली टेस्ट सीरीज चाहते हो, तो टेस्ट सीरीज आपको मात्र 399 मिल जाएगी, जिसके अंदर नंबर ऑफ कितने 100 टेस्ट है, ठीक है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप क्या करें, हमारे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारी एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप दी गई जानकारी आपको सबको समझ आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।